म्युनिसिपैलिटी से अनुमति लिए बिना आप लोगों ने पानी की टंकी बना ली है, जिसे हम लोग तोड़ने के लिए आए हैं। ये अन्याय है, ये जुल्म है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी ने भी डांग अड़ाई तो अरेस्ट कर लूंगा, तोड़ डालो। क्या हो रहा है? इस अन्याय को देखिए, आपकी बनाई हुई पानी की टंकी ये लोग तोड़ने जा रहे हैं। अरे सुनो, इस टंकी को तोड़ने के पहले मेरे ऊपर बुलडोजर चलाना होगा, फिर इस टंकी को तोड़ना। ऐसा यहाँ का कानून है क्या? अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलाने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इंस्पेक्टर साहब, यही शराफत है। इस टंकी को बनाने में हमने कितना कष्ट उठाया, कहाँ कहाँ चोरी नहीं की, उसके लिए 6 महीने की सजा भी होगी। इसे तोड़ेंगे तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सरकार नया टैंक बनाने की योजना बना चुकी है, फिर इसे तोड़ने से तुम्हें क्या तकलीफ? सिर्फ योजना ही है ना साहब, उसे बनाते बनाते हम दोनों की शादी हो जाएगी, पोते पोतियां भी हो जाएंगे, तब तक पानी के लिए कहाँ जाएंगे? देखिए, हमने बड़ी मुश्किल से इस टंकी को बनवाया है, हमारी तारीफ करने के बदले से तोड़ा तेरी तब। अगर ऐसा है तो 2 फूल माला खरीद कर इन दोनों को पहना के इनका सम्मान करेंगे। धन्यवाद। मजाक मत करो, परमिशन लिए बिना टंकी बनाई है, इसे तोड़ कर ही हम लोग जाएंगे। तोड़ दो, चलाओ बुलडोजर। इंस्पेक्टर साहब जरा इधर, ये है सही तरीका। मैं भी आऊं। अबे ये रुक। इंस्पेक्टर साहब, 5,000 रेड में दे दें आपको। वही ब्राई, 5,000 रिश्वत। अब क्या मुझे इतना चीप समझ रखा है? 10,000 चलेगा। सुनो भी, तुम दोनों को रिश्वत के केस में बुक करके अंदर डाल दूंगा। तो 15,000? नो। तो 20,000? नो। 25? बाप रे, तुम दोनों मिलकर इतना जोर डाल रहे हो भाई, साथ में बड़े अफसर भी तो हैं। उन्हें भी दे देंगे कुछ। उनका भी मिलाकर 50,000 होगा। इतना सारा रुपया कहाँ से लाओगे? इस बारे में आप क्यों चिंता करते हैं, 50,000 रुपए का चक्कर चला लेंगे हम। रुपया हासिल करते ही आपके घर पहुंचा देंगे, बेफिक्र रहिए। नो, घर में? ये सब घर में नहीं हो सकता, होटल अशोका में दे जाना, क्योंकि आजकल विजिलेंस वाले बहुत एक्टिव हो गए हैं। अंडरवेयर। अंडरस्टूड। आ चला। देखा, रिश्वत देने के पहले कंधे पर हाथ रख दिया। कोई बात नहीं, रखो रखो। सर, दे। यस सर। फॉलो मी। हम कौन है मालूम है? पुलिस वाले। आइए, मगर वो घर पे नहीं है। नहीं नहीं, हम मिलने नहीं आए हैं, बल्कि रेड मारने आए हैं हम। रेड? क्यों क्यों क्यों? साहब कौन है मालूम है? कौन है? जानकर होश उड़ जाएगा। बोलिए तो। बड़ा एबीसी ऑफिसर। एबीसी क्या? सीबीआई। सीबीआई ऑफिसर। बैठिए। ओए, गेट अप। थोड़ी देर रुकिए, वो आ रहे होंगे। अभी वो आने वाले नहीं है। क्या? अभी वो अशोका होटल में है। क्या? मैं बता दूं, वो होटल अशोका में सरिता के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। सरिता यानी पराई लड़की के साथ मजे कर रहे हैं? वो होटल कहाँ है बताइए, मैं अभी जाकर उनकी खबर लेती हूँ। हाय, उस चुड़ैल में से क्या है जो उसके पीछे पड़े हैं? मैं क्या जानूं, वो सरिता से पूछो जाकर। हाँ मैडम, वो सरिता के साथ इश्क कर रहे हैं। अरे गुरु, हमें इनके प्रॉब्लम से क्या, हमें अपना काम करना है। ए, स्टार्ट सर। ओके सर। स्टार्ट। ओ सर, अंडरवेयर। यस सर। तुम लोगों को इसलिए तो सेटअप किया, जाओ जल्दी। अरे अरे सुनिए तो, मैंने कहा ओपन। नथिंग। क्लोजिंग। कमिंग। सब्जी, सब्जी, ये तो कहो, हमारे घर क्यों रेड मार रहे हो? तुम्हारे पति ने इसके अंदर है? नहीं, रिश्वत लिया, उन्होंने ऐसी रिपोर्ट मिली है। रिश्वत? हाँ। राम रे राम रे राम, झूठ, बिल्कुल झूठ। हाँ, रिश्वत लिया या नहीं ये तो सच के बाद मालूम होगा। ओपन। यस सर। साहब साहब जी, बड़े साहब जी, ये तो मेरी पुरानी साड़ियां हैं, पुरानी है। देखिए सुनिए, सर्च करते हुए झंझट मत कीजिए और बोलिए भी मत। मैं तो बस यूं ही, अगर बहुत बकेंगे तो माइक नीचे रख दूंगा। माइक? भाषण देने वाले हो क्या? माइक से पहले भाषण देते थे, माइक से मारते हैं आजकल। ओपन। अरे साहब जी, नहीं नहीं नहीं, देख लिया, कुछ भी नहीं है। ये कौन है जो चुपचाप लटक रही है? ये मेरी सासू माँ है। सासू माँ? कहीं मिला हूँ? अभी तो मिले हैं ना। ओपन। अरे नहीं नहीं, फोटो नहीं उठाना, फोटो नहीं उठाना प्लीज। ज्यादा बकवास की तो फिर माइक लगा दूंगा। माइक माइक क्यों डरा रहे हो भाई?
स्विच स्विच हाँ। ये किस फैन का स्विच है? स्विच फैन फैन स्विच फैन नो फैन वायर स्विच उस फैन का ये स्विच ये ये बहुत गर्मी लग रही है बहुत गर्मी नहीं 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 ये तुम्हारे मायके का है तो क्या तुम्हारे मायके का है? क्या बोलती है ये? ये मेरा घर है। चाबी चाबी उनके पास है। उसके किसके पास? मेरे पति के पास तो है। सुनीता के साथ पड़ा हुआ है। ए, चाबी 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 नहीं नहीं चाबी ये चाबी इसकी नहीं है। ये किसकी है अभी मालूम हो जाएगा। बाप रे कुबेर का खजाना ये सब मेरे मायके की दौलत है। हाँ। अब तुम्हारे पिताजी क्या कोई मंत्री हैं? सब सीज कर लो। ठहरो 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 हम अपने बीच कुछ सेटल कर लेते हैं। सेटल क्या कर रहा है? हट। सेटल मतलब समझौता समझौता। देखो तुम लोग पुलिस वाले हो मेरे पति भी पुलिस वाले हैं हम दोनों एक ही विभाग के हैं तो आपस में ये लड़ाई कैसे? हाँ देखो थोड़ा बहुत तुम ले जाओ और बाकी सारे का सारा हमारे लिए रख दो। देखिए ये हमें रिश्वत दे रही है। क्या कहा? रिश्वत? अपने पति के माफिक हमें भी भ्रष्ट समझा है क्या? हम क्राइम से दूर रहकर नीति और न्याय को भूलते नहीं। हमारा लक्ष्य हमारा उसूल हमारा रास्ता सब कुछ जॉन्डिस्ट है। अरे यार जॉन्डिस्ट नहीं जस्टिस मैं कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो आप? जल्दी आओ सीज करो सब कुछ। चलिए चलिए मैडम चलिए। कैश कितना हुआ? 12,08,300 रुपया है सर। बाप रे बाप। मैडम इस पे आपको साइन करना होगा। साइन करना पड़ेगा क्यों? तुम्हारे बंगले से जेवरात और ये तमाम रुपए मिले हैं उसका पूरा पूरा लिस्ट बनाया है। ये सब तुम्हारे पति ने जनता को सरकार को धोखा देकर रिश्वत में लिया हुआ धन है इसमें ऐसा लिखा है। ये झूठ नहीं सच है। तुम साइन करो। मुझको साइन करना पड़ेगा? हाँ भैया हम सब तो एक ही है न। एक ही खानदान और एक ही पार्टी के हैं ऐसा बोलकर दुनिया को हम धोखा नहीं देते। शराफत से साइन करो। चलो मैं अपने पति की अनुमति के बिना साइन नहीं करूंगी। तो तुम साइन नहीं करो। कांस्टेबल हम क्या करेंगे ये बताओ। मैडम के हाथ में हथकड़ी लगाकर गली गली में घुमाते हुए पुलिस स्टेशन ले चलेंगे और क्या। अरे भाई गुस्से में आकर तुरंत फैसला मत करो। ऐसे समय में वो पापी सरिता के साथ मौज उड़ा रहा है। लॉक कर दिया साइन। हाँ तो साथियों दो नंबर का सारा माल नेकलेस टीका झुमका पायल सोना चांदी ठीक से बटोर का पैक करो। गया गया मेरा माल। रुपया 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 क्यों भाई इतना रुपया कहाँ से मिला? इसकी चिंता मत कीजिए आपका ही माल है। ब्लैक मनी है कि व्हाइट मनी? रेड मनी। ये क्या भाई रेड मनी? रेड मनी। गरीबों के खून की कमाई को जब तुम जैसे अधिकारी कानून की धौंस दिखाकर छीन लेते हैं ना उसी पैसे का नाम है रेड मनी समझे? कमाल है भाई तुमने तो रुपयों को नया रंग रूप दे दिया। मेरी बात सुनिए आपने जितना मांगा था उससे ज्यादा दे दिया अब हमें परेशान मत कीजिएगा समझे आप? सुनो यार रुपया जब तक नहीं लेता तब तक मैं नाग वर्मा हूँ। रुपया लेते ही मैं नगेंद्र वर्मा। ठीक है तुम्हारे मामले में हम टांग नहीं अड़ाएंगे। छोटा सा पैक पियोगे? शबाब के साथ शराब हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। तुम मुझे लड़कियों का दलाल भी बना दोगे? तुम जाओ मेरे बाप। प्रणाम। चलता हूँ शर्मा। ए शर्मा ए रुपिया ये देख दौलत रुपियों का ढेर। देख लिया ना तुमने मुझे दरिद्र कहा था लेकिन मेरे आते ही तुम्हारे भाग कैसे खुल गए। अरे अरे इतनी रिश्वत मोती का हार। हाँ मोती का हार अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। अजी इस नेकलेस को तुमने पहचाना नहीं? नहीं तो इसी शराब की दुकान वाले ने रिश्वत में तुम्हें दिया था। ए इधर आओ। अरे चोर बदमाशों मेरे घर से चुरा कर मुझे ही रिश्वत दी। अरे मेरा डिपार्टमेंट पहले ही मुझ पर निगाह रख रहा है ऊपर से तुम दोनों मुझे फांसने की कोशिश कर रहे हो। मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे मैं बोल रहा हूँ और तुम दोनों मेहमान की तरह पैर पर पैर रखकर आराम से सुन रहे हो। पैर बदल दिया तो छोड़ दूंगा। अभी तुरंत 420 में बुक करके मारते पीटते हुए तुम दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा तब पता चलेगा। अबे चुप। ये क्या कर रहे हो? मंत्र पढ़ रहे हो? ये सब क्या है? सब लोग पीला नोटिस देते हैं तुम मुझे लाल नोटिस दे रहे हो। चुपचाप पढ़ो बेटा। बेटा बोला फिर क्या ससुर बोलूं? ये उससे भी खराब है।
हैं? सारी दौलत मेरे पति ने जनता और सरकार को धोखा देकर रिश्वत में लेकर जमा किया है। ये मैं पूरे होश आवाज में कबूल करके लिख रही हूँ एन कल्याणी। अच्छी लिखावट है एन कल्याणी। हाँ, अब क्या करोगे तक दिना दिन, जवाब दो अब क्या करोगे तक दिना दिन। ये कोई जादू मंत्र है क्या? ये जेरोक्स है, इसके मैंने 100 कॉपी और बनवाए हैं। असली बैंक के जैकेट में, जैकेट नहीं लॉकर में। अब क्या करोगे तक दिना दिन दिन, जवाब दो तक दिना दिन दिन। फंस गया तक दिना दिन दिन। तुम दोनों मुझे दबा रहे हो, मेरी पोजीशन का क्या होगा? सैल्यूट तक नहीं दे पाऊंगा। क्यों भाई मुझे ब्लैकमेल करते हो? घोड़े को वश में करने के लिए तगड़ा लगाम लगाना पड़ता है, और फिर तुम तो पागल घोड़े हो, तुम्हारी लगाम तो वो बिल है। प्यारे चाहो तो और दो चार पानी की टंकियां बना लो, मुझे रिश्वत नहीं चाहिए। लॉकर में मेरी बीवी का लिखा हुआ लेटर है ना, वही मुझको वापस दे दो भाई। इतने छोटे से काम के लिए थोड़े ही मैंने तुम्हारी बीवी से इतना बड़ा लेटर लिखवा के रखा है। उस लेटर से अभी बहुत सारे काम करवाने हैं मुझे। ये सब पूरा होते ही बैंक के जैकेट से, जैकेट नहीं लॉकर, हाँ लॉकर से असली लेटर निकाल के दे दूंगा। तुम्हारी जरूरत पड़ने पर तुम्हें बुला लूंगा। अभी मेरा काम नहीं, काम नहीं, गेट आउट। गेट आउट, समय तुम्हारे साथ है। क्या बात है? समय सर, जाता हूँ। दरवाजा इधर है, देख कर। ये वर्मा तो अपना पालतू कुत्ता बन गया एकदम। शिष्य गुरु, दिस इज ओपिनियन, यू शी एंडिंग।